स्थिति तो आपने बता दिया, आपने हमको विधायक कह दिया, जन आशीर्वाद पूरी तरह से हमें मिल रहा है और जनता इस चुनाव को लड़ रही है, रामगढ़ की सम्मानित जनता लड़ रही है। मैं तो एक तुच्छ आदमी हूं और जल मुझे जो समझ में आता है कि रामगढ़ की सम्मानित जनता क्यों लड़ रही है, तो इसका एक ही कारण हमको समझ में आता है कि 365 दिन में रामगढ़ की जनता के लिए लड़ता रहा था। यहाँ जात पात धर्म संप्रदाय और तरह तरह के प्रलोभन सारे बंधन को तोड़ के और रामगढ़ की जनता हमको आशीर्वाद दे रही, और रामगढ़ के की जनता के इस आशीर्वाद को मैं वोट नहीं मानता। मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर यह कर्ज है, क्योंकि जब लोगों का मन बनता है तब मत मिलता है। तो मेरा प्रयास यही रहता है 365 दिन कि एक भी आदमी का मन हमसे टूटे नहीं। उसी का यह परिणाम है कि सारे बंधन टूट गए हैं और सभी जाति बिरादरी और संप्रदाय का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, और रामगढ़ की जनता इस चुनाव को जीतेगी। यह जीत रामगढ़ की जनता का जीत है, और जैसे ही यह जीत 23 तारीख को डिक्लेयर होगी, रामगढ़ की सारी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है और रामगढ़ को जिताना ही मेरा एक लक्ष्य होगा कि हमारा रामगढ़ बिहार में कैसे जीतेगा। जीत के बाद क्या वो काम कार्य रहेगा जो एक साल के दरमियान आप लोगों को समय मिलेगा, उसमें लगता है कि जरूरी है जनता के लिए वो कराना प्राथमिकता है? हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य श्रीमान मंगल पांडे जी, सब लोगों ने घोषणा किया है यहाँ रामगढ़ की जनता से कि आप एनडीए के प्रत्याशी अशोक को आशीर्वाद दीजिए और रामगढ़ के विकास के लिए बिहार का खजाना खोल दिया जाए।